हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम जो है बुक वन जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। बुक टू जो हमारी चल रही है उसमें हम पहले चैप्टर 4 और 5 ख़त्म किए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम वेस्टर्न और इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बात कर रहे हैं। सो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से देखना भी बहुत ज़रूरी था, दैट्स वाई वी हैव कवर्ड दैट बिफोर इट। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 1, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। कि जी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड मतलब किस तरीके से वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और सोशल प्रोसेसेस क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम चैप्टर 1 में देखने वाले हैं। अब आपने इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से रिलेशनशिप शुरू हुआ, पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज, और किस तरीके से ये सब चीज़ें एक बहुत ही बेसिक लेवल पे से शुरू होके ग्रुप्स, क्लासेस, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स, इन सब चीज़ों तक पहुंच गई। अब इसमें हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है सोशल स्ट्रक्चर में, एंड उस सोशल स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स हैं, और वही सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि उसकी चॉइस क्या होगी। अब उसमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी तरफ से बातें कही कि इंडिविजुअल की चॉइस इंडिविजुअल की अपनी नहीं होती है भाई, वो उस ग्रुप की चॉइस होती है जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल से सोसाइटी बन रही है। कुछ लोगों ने कहा सोसाइटी से इंडिविजुअल बन रहा है। अब वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैज बीन अंडरस्टैंड द डिलेक्टियल या रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सो एक तरीके से हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप की, किस किस का रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी। जैसे राइट मिल्स का जो इलेबोरेशन था अबाउट द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो सीख करेगा एक अनफोल्ड इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल का बायोग्राफी एंड सोसाइटी का हिस्ट्री। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही बोल रहे हैं कि सोसाइटी से इंडिविजुअल है एंड इंडिविजुअल से सोसाइटी है। दो टाइप के बेसिकली सोशियोलॉजी को आप डिवाइड कर सकते हो सोशियोलॉजिस्ट को। एक बोलेगा इंडिविजुअल मिलके सोसाइटी बना रही है, और एक बोलते हैं कि जो है वो सोसाइटी ही इंडिविजुअल को बना रही है। तो टू डिफरेंट कंटेक्स्ट हमारे यहाँ के हो सकते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि द चैप्टर सीक्स टू डिस्कस इज टू व्हाट एक्सटेंट द इंडिविजुअल इज कंस्ट्रेंड बाय, कि किस चीज ने इंडिविजुअल को क्या कर रखा है, कंस्ट्रेंड कर रखा है या रोक रखा है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही और शी इज फ्री ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कि किस एक्सटेंट से वो सोशल स्ट्रक्चर से फ्री है। सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, ये बुक वन में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर या स्ट्रैटिफिकेशन में जब हमने स्ट्रेटास बनाए थे, जब हमने ग्रुप्स बनाए थे, वो ग्रुप्स किस टाइप के थे, वो ग्रुप्स थे आपको क्लास बेस्ड हो सकते हैं वो, या कास्ट बेस्ड हो सकते हैं, या पैसे इकोनॉमी बेस्ड हो सकते हैं, या इंडिविजुअल, जैसे बेसिकली स्कूल्स में भी आप ये देखिए डिफरेंट बच्चे अपना डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं, तो वहाँ पे भी स्टेटस जो है वो बन सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी डील ब्रीफली विद द टर्म सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो बेसिकली ये दो वर्ड, उनसे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है चैप्टर 2 ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में, उसके बाद की हम आगे वाली चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखिए टर्म सोशल स्ट्रक्चर है, इससे ऑलरेडी पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कि समाज ने किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा है, या किस तरीके से सोसाइटी ने चीज़ों को स्ट्रक्चराइज कर रखा है। सो लाइक अ सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू बी फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज या अरेंज। तो सिंपली हम बात क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी इतनी बिखरी हुई नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में सब चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज है या बहुत अरेंज है। सो इन पर्टिकुलर वेज, सो जो सोशल एनवायरमेंटलिस्ट है इन विच वी एग्जिस्ट डू नॉट जस्ट कंसिस्ट ऑफ रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ इवेंट्स और एक्शंस, जबकि उसके पीछे एक अंडरलाइंग रेगुलरिटी है, पैटर्न है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ एकदम से कैसे भी हो रही है। अब बहुत सारी चीज़ है, जैसे बहुत बेसिक अगर मैं बात करूँ कि लड़कियों को शादी के बाद विदा होके
कहाँ जाना होता है, ससुराल जाना होता है, ठीक। हम यहाँ पे बेसिक बात कर रहे हैं। ये रूल बनाया किसने, हमें नहीं पता शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन इतनी रेगुलरिटी हुई, सब जगह सेम चीजें चलने लग गई कि शादी के बाद अब क्या है, अब लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है, दे हैव टू गो। वो इसके प्रति डेवियंट नहीं हो सकती। पर अगर हम मान लो सोसाइटी में कोई ऐसा मेल है जो कहे कि मैं शादी के बाद ससुराल जाना चाहता हूँ, तो उसको सोसाइटी बहुत ही अजीब नजरों से देखती है, गंदी नजरों से देखती है। हो, घर जमाई बनेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, ऐसे इसकी तो इज्जत ही नहीं रहेगी। और मतलब ऐसी बेसिक सी चीज है जो थॉट सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डेवलप कर लिया, ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग पे हावी है, ना चाहते हुए भी हमें नहीं समझ में आता कि हम कई बार इस सोशल स्ट्रक्चर के, इस थॉट के शिकार हो जाते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट। क्योंकि ये सब चीजें बनने में जमाना लग गया, बहुत टाइम से, बहुत रेगुलरिटी से ये चीजें आ रही है। जैसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं कि इंडिया के अंदर इंग्लिश का फैशन और गोरा होने को खूबसूरत मानना, हम ऐसा मानते नहीं थे। ओरिजिनल इंडियंस वर नॉट लाइक वाइट इन कलर, दे वर ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर। बट जैसे जैसे ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें क्या बताया, भाई इंग्लिश अच्छी होती है, गोरे दिखना अच्छा होता है। तो ना चाहते हुए भी ये सारी बातें हमारे दिमाग में क्या हो गई, फिक्स हो गई कि हाँ हाँ भाई सही कह रहे हो, ये गोरे होना ही अच्छा होता है। इस टाइप की चीजें क्या है हमारे दिमाग में अब घर कर जाती है। सो बट द मेटाफर कैन बी वेरी मिसलीडिंग वन इफ अप्लाइड टू स्ट्रिक्टली। सोशल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। सोशल स्ट्रक्चर भाई बनता कैसे, ह्यूमन एक्शन से, रिलेशनशिप से। भाई हमें सोशल स्ट्रक्चर नहीं तो बताया कि अपने पिता के साथ कैसा बिहेव करना है, या अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये चीज हमें कौन बता रहा है, समाज ही तो बता रहा है। व्हाट गिव्स दोज देयर पैटर्निंग इन द रिपीटेशन अक्रॉस पीरियड ऑफ द टाइम डिस्टेंस ऑफ स्पेस। सो द आइडियाज ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन अनादर। तो ये बोल रहे हैं बेसिकली जो चीजें बनी ना, आप कह रहे हो कि वो सब जगह अलग है, लेकिन बेसिक थीम उसका ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम मिलेगा। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी, पिता का नाम ट्रांसफर होना बच्चे को, या पिता की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाना बच्चे को, तो ये सब चीजें क्या है, पैट्रियार्कल है। अब हर जगह देखो आप तो पैट्रियार्की है ही है। मैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रिलिनियन सोसाइटी भी बहुत रेयर है कि आपको कहीं पे दिख जाए। तो ये क्या है, ये एक तरीके से पैटर्न की बात इन्होंने करी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ स्कूल एंड अ फैमिली स्ट्रक्चर। इन अ स्कूल, सर्टेन वेज ऑफ बिहेवियर या बिहेवियर का रिपीटेड ओवर ईयर्स एंड दे बिकम इंस्टीट्यूशंस। सो बोले कि जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे टाइम से सेम तरीके की चीज़ें होती है, सेम तरीके के प्रोसेस होते हैं, और इसी प्रोसेस के साथ ही एक इंस्टीट्यूशन बन गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हर एक स्कूल का कोड अगर आप देखो तो उसमें सबसे सिमिलर सी चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एनुअल फंक्शन हो गए, क्या डेली असेंबली करना हो गया, स्कूल की एंथम हो गई, ए मालिक तेरे बंदे हम, या व्हाटएवर जो भी चलती है आपके यहाँ। सो लाइकवाइज इन फैमिली, एक सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग है, मैरिज होती है, शादी होगी, बच्चे होंगे, नोशन ऑफ रिलेशनशिप, ड्यूटीज, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ सेट आउट हो जाता है। इवन जो ओल्ड मेंबर्स है फैमिली के, स्कूल के, वो पास अवे हो सकते हैं, निकल सकते हैं, जैसे स्कूल से निकल जाते हो, पर नए मेंबर एंटर हो जाते हैं। ऐसे ही लाइफ में, फैमिली में, हो सकता है ओल्डर मेंबर पास हो जाए और नए और लोग जुड़ते चले जाए। सो इट मीन्स दैट चेंजेस टू टेक प्लेस विद इन द फैमिली एंड इन स्कूल्स। सो अबव डिस्कशन एंड एक्टिविटी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी एज बिल्डिंग दैट आर एट डिफरेंट मोमेंट बींग रिकंस्ट्रक्टेड बाय वेरी ब्रिक्स दैट कंपोज देम। फॉर एज वी सो आर सेल्फ ह्यूमन बींग इन स्कूल फैमिली ब्रिंग चेंजेस। सो इन्होंने ये दो एग्जाम्पल, स्कूल का और फैमिली का एग्जाम्पल दे रखा है। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग है रूरल एंड अर्बन एरियाज की। सी बेसिकली रूरल एरिया में आपको इस टाइप की बिल्डिंग देखने को मिल सकती है। अब तो खैर वहां पर भी बहुत डेवलपमेंट हो गया, बुक थोड़ी ये पुरानी है, ज्यादा एनसीईआरटी में चेंज आता नहीं है। बट ये शहरों का सीन है जो ऑलमोस्ट सेम ही है बहुत सारे टाइम से। सो
it reproduces the structure even while introducing changes. So they cooperate at various level in their everyday life towards the reproduction. So इस टाइप का बिहेवियर, ये सब चीजें हमें कौन सिखा रहा है? सोसाइटी सिखा रही है. तो फैक्ट रिमेन दैट अलोंग विद कोऑपरेटिव बिहेवियर वी आल्सो विटनेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट. तो अब ये देखिए भाई, इतना कोऑपरेटिव बिहेवियर है, सब कुछ है तो सही, लेकिन फिर भी बहुत सारे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं. भाई अगर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल से सोसाइटी है, तो भाई उनके बीच में तो डिफरेंसेस होना बहुत लाजमी है. अब मेजर थीम जिसको परस्यू किया था एमिले दर्खाइम ने, बहुत सारे और लोगों ने भी, इज दैट द सोसाइटी एग्जर्ट सोशल कंस्ट्रेंट ओवर द एक्शन ऑफ देयर मेंबर. जैसे दर्खाइम की बात अगर हम रिमेंबर करें, जो हमने करा था लास्ट चैप्टर में, तो दर्खाइम क्या बोलते थे कि जो ह्यूमन के एक्शन होते हैं ना, उसको कौन कंट्रोल कर रही है? सोसाइटी कंट्रोल कर रही है. सो सोसाइटी हैज प्राइमेसी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन. सोसाइटी इज फार मोर देन सम ऑफ जस्ट इंडिविजुअल. सोसाइटी हैड अ फर्मनेस, सॉलिडिटी एंड बहुत सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी हमें? सोसाइटी में देखने को मिलेगी. सो ये कौन बात करते हैं? ये बात करते हैं एमिले दर्खाइम. सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ. इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.